हाय गाइस, वेलकम बैक। और आज हम शुरू करेंगे एक नई सीरीज जो कि होगी सीबीएसई 10th क्लास की मैथ्स की, और उसमें हम एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स कवर करेंगे रिड्यूस सिलेबस हटा के। ये सीरीज का पहला लेक्चर है और आने वाले 3 हफ्ते आपको रोज हमारे चैनल पे मैथ्स की वीडियो मिलती रहेगी। हम आपको 0 to 100 सारा कोर्स बहुत ही ईजिली अंडरस्टैंडेबल तरीके से करवाएंगे। अगर आपका कोर्स कंप्लीट है तो ये आपके लिए एक रिविजन सीरीज की तरह काम करेगी, और अगर आप थोड़े वीक है मैथ्स में तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सारा कोर्स फटाफट से और एकदम क्लियर बेसिक्स के साथ कंप्लीट करने की। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की सीरीज का पहला चैप्टर, रियल नंबर्स। तो देखिए, रियल नंबर्स में, एक सेकंड पेन ले लेते हैं। नंबर्स आप बचपन से जानते हैं, नंबर्स 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी तक जाते हैं। 0 भी नंबर होता है, 0 के अलावा। फिर हमने सीखा कि -1, -2 ऐसे करते करते माइनस इन्फिनिटी तक जाते हैं, और उन्हीं उन्हीं के बीच में हमने सीखा कि 0 और 1 के बीच में भी बहुत सारे नंबर आते हैं, जैसे 0.1, 0.01, या फिर फ्रैक्शनल फॉर्म में कहें तो 4/7, 2/3, ऐसे फ्रैक्शनल नंबर। तो ये सारे नंबर्स हमने आज तक सीखे। तो रियल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट किए जा सके। ये एक नंबर लाइन है, देखिए -10 से +10 के बीच की नंबर लाइन है। अब इन पे कौन कौन से नंबर प्लॉट किए हुए हमने? -4, -4 प्लॉट किया हुआ है यहाँ पे, -1.5 प्लॉट किया हुआ है -1 और -2 के बीच में, 0 itself प्लॉट किया हुआ है मिडिल में, 1/2 एक फ्रैक्शनल फॉर्म में प्लॉट किया हुआ है, 0.5 इसकी वैल्यू होती है, पाई भी हमने प्लॉट किया हुआ है, पाई जो स्क्वायर सर्कल के एरिया और सर्कमफेरेंस में यूज आता है पाई, वो भी हमने प्लॉट किया हुआ है 3 और 4 के बीच में, 3.14 के आसपास यहाँ कहीं प्लॉट किया हुआ है। तो जो भी नंबर नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट किए जा सकते हैं वो सारे नंबर्स होते हैं रियल नंबर। तो अब नॉन रियल नंबर या ऐसे कौन से नंबर होते हैं जो रियल नहीं होते? तो जो नंबर रियल नहीं होते वो होते हैं इमेजिनरी नंबर। और इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? इमेजिनरी नंबर होते हैं, अब पहले हम स्क्वायर देख लेते हैं कि स्क्वायर कैसे देखे थे। स्क्वायर आज तक आपने सीखा है कि कोई भी नंबर खुद से मल्टीप्लाई होता है तो वो उसका स्क्वायर होता है, और अगर उस नंबर को जो अभी स्क्वायर हुआ है उसको हम वापस रूट कर दें, यानी उसका स्क्वायर रूट कर दें, तो वो नंबर जिसका वो स्क्वायर था वो मिल जाएगा। जैसे 2 into 2 4 होता है, यानी 2 की पावर 2 4 होता है। अब स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो होगा वो 2 होगा। सेम वैसे 7 into 7 49 होता है, और स्क्वायर रूट ऑफ 49 जो होगा वो 7 मिल जाएगा। तो अब चाहे किसी भी नंबर का स्क्वायर कर लीजिए, आपको रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलेगा। 2 into 2 देख लीजिए, 4 मिलेगा। -3 into -3 देख लीजिए तो भी 9 मिलेगा। 1/7, -1/7 into -1/7 भी देख लीजिए तो 1/49 ही मिलेगा, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है। तो ये सारे पॉजिटिव नंबर है, तो मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव नंबर आता है। तो अगर हम किसी नेगेटिव नंबर का रूट कर दें, स्क्वायर रूट, तो हमें क्या मिलेगा? ये नंबर तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं जिसको खुद से मल्टीप्लाई करे तो -1 आ जाए। तो इसलिए ये नंबर इमेजिनरी नंबर है और बाकी सारे नंबर रियल नंबर है। और ये इमेजिनरी नंबर की स्पेशलिटी होती है कि इस नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं किया जा सकता। तो हमें तो खैर रियल नंबर भी ध्यान रखना है, लेकिन इमेजिनरी नंबर की समझ होना जरूरी है रियल नंबर जानने के लिए भी। तो अब रियल नंबर 2 नंबर्स में डिवाइड होते हैं, 2 टाइप में होते हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर करेंगे। रैशनल नंबर देखिए, रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो ऐसा कोई भी नंबर जो पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखा जा सके, जिसमें पी और क्यू को प्राइम इंटीजर्स हो, पी और क्यू को प्राइम इंटीजर्स हो और क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो। तो हम पहले देख लेते हैं कि को प्राइम इंटीजर्स क्या होते हैं। तो ये देखिए, ये स्लाइड, को प्राइम इंटीजर्स, को प्राइम इंटीजर्स इंटीजर्स दैट ओनली हैव 1 एज कॉमन फैक्टर, 3 और 5, 18 और 35। फैक्टर क्या होते हैं? जैसे 4 का फैक्टर होता है 1, किस किस की टेबल में आ रहा है वो? 1 की में आता है, 2 की में आता है और 4 की में आता है। जैसे 18 के फैक्टर्स होते हैं, 1 की में आता है, 2 की में आता है, 3 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में आता है और 9 की टेबल में आता है और 18 की टेबल में आता है। तो ये इसके फैक्टर हो गए। तो इनमें कॉमन क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 कॉमन आ रहे हैं, तो ये कोप्राइम नहीं है। पर 18 और 35 में देखिए, 18 के फैक्टर है 1, 2, 3, 6, 9, 18, 35 के फैक्टर है 1, 5 और 7, इनके कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 itself ही है। तो ये दोनों को प्राइम नंबर हो गए क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। तो जिनका भी कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आ रहा हो वो को प्राइम इंटीजर होते हैं।
और ये लाइन मैंने लिखी है कि कोप्राइम इंटीजर आर यूजुअली यूज इन डिफाइनिंग रैशनल नंबर वेयर इन पी अपॉन क्यू फॉर्म, पी और क्यू दोनों कोप्राइम नंबर होते हैं। तो रैशनल नंबर कोई भी ऐसा नंबर जिसको ये एन नंबर है इसको पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं जिसमें पी और क्यू कोप्राइम इंटीजर्स है और क्यू 0 के बराबर नहीं। इंटीजर क्या होते हैं? -1, -2, 0, 1, 2, 7, 4, ये इंटीजर होता है। और कोप्राइम इंटीजर आपको पता है जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आ रहा हो, जैसे 3 है। 3 एक रैशनल नंबर है क्योंकि उसको पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं जिसमें पी की वैल्यू 3 और क्यू की वैल्यू 1 है और 3 और 1 दोनों कोप्राइम है। -3/7 है, ये ऑलरेडी एक कोप्राइम नंबर्स है और पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखा हुआ है। 3 और -3 और 7 दोनों इंटीजर्स है। 2/3, 0.6666 एक ऐसा नंबर है जिसको 2/3 लिख सकते हैं। जैसे 0.6666 ये हमेशा चलता रहेगा तो इसको हम 0.6 बार लगा देंगे। बार मतलब ये बार बार चले जा रहा है, तो 0.6 बार ये फ्रैक्शनल फॉर्म या पी अपॉन क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है 2/3। ये 2/3 के बराबर है, 2/3 पी अपॉन क्यू फॉर्म में है और 3 क्यू के बराबर है। क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, पी और क्यू दोनों को प्राइम है, तो यानी 0.6666 एक रैशनल नंबर है। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट हुई? एक तो कि वो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, दूसरा पी एंड क्यू जो है वो को प्राइम होने चाहिए, और तीसरा है कि क्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 1.85714285714285714285712, ये आप 1.857142 रिपीट बार ये लगा दिया। ये भी क्यू पी वाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसको 13/7 लिख सकते हैं जिसमें 13 और 7 के कॉमन मल्टीपल्स है, 1 और 13 और 7 के मल्टीपल है 1 और 7, तो कॉमन मल्टीपल सिर्फ 1 है, तो ये को प्राइम नंबर है दोनों। ऑल्सो नीचे 7 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा, और ये पी बाई क्यू फॉर्म में है तो ये एक रैशनल नंबर हुआ, रिपीटिंग रैशनल, रिकरिंग रैशनल नंबर या डेसीमल, जो बार बार रिपीट हो रहा है उसे रिकरिंग डेसीमल कहते हैं। पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, 1.33 में 3 रिपीट हो जा रहा है, रुक ही नहीं रहा, रिपीट होए जा रहा है, तो ये 4/3 के इक्वल लिख सकते हैं पी बाई क्यू फॉर्म में। तो ये जो मैंने तीन ये बताइए, ये तीन क्वालिटीज अगर आप निकाल सकते हैं किसी में भी तो वो रैशनल नंबर हो जाएगा। तो जिनमें ये तीन क्वालिटीज नहीं होते वो क्या होते हैं? वो होते हैं इरेशनल नंबर। पहली लाइन ये लिखी है कि वो पी अपॉन क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, यहाँ पे पी और क्यू को प्राइम इंटीजर है, पी अपॉन क्यू में कर ही नहीं सकते। तो कौन से ऐसे नंबर होते हैं जो इरेशनल होते हैं? पहला नंबर है √2। √2 देखिए, 1.414213564, ये कभी खत्म नहीं होगा, ये चलता रहेगा और ये कभी रिपीट भी नहीं होगा, ये हमेशा नया ही नंबर आएगा, कोई पैटर्न नहीं है, बार नहीं लगा सकते इसमें आप कहीं भी ले जाके, क्योंकि कहीं भी ये रिपीट होना स्टार्ट ही नहीं होगा और ये कभी खत्म भी नहीं होगा, इसलिए ये नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ऐसे ही √3 है, ये भी कभी खत्म नहीं होगा और ना ये कभी रिपीट होगा, इसलिए ये भी नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है या डेसिमल है। तो ऐसे जो कि रिपीट भी नहीं होते और टर्मिनेट भी नहीं होते वो इरेशनल नंबर होते हैं। ऑल्सो वो पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखे नहीं जा सकते, जैसे √2 है ना, कभी पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। जो क्लोजेस्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है, नहीं क्लोजेस्ट, ये नॉट इक्वल टू है, ये सिमिलर टू या अप्रोक्सीमेटली इसको ऐसा लिखा जा सकता है, 665857/470832, क्लोजेस्ट फ्रैक्शन है ये, पर ये इक्वल टू नहीं है इसके, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू √2, नॉट एग्जैक्टली इक्वल, मतलब पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखा ही नहीं जा सकता। √2, √3, √5, इनको पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ये इसलिए इरेशनल नंबर हो गए। तो जिनको पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है वो रैशनल होता है, जिनको नहीं लिखा जा सकता वो इरेशनल होता है। अब देखिए, रैशनल नंबर दो नंबर से कंसिस्ट होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। और टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं? ऐसे डेसिमल जो खत्म हो जाए, जैसे 0.375 है, 5 के बाद कोई नंबर नहीं आएगा, खत्म हो गया यहाँ पे, तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो कभी खत्म नहीं होगी, पर रिकरिंग यानी वो रिपीट तो होंगे, रिपीट तो होते रहेंगे। जैसे 1/3 है तो 0.333, ये कभी खत्म तो नहीं होगा लेकिन ये 3 रिपीट होता रहेगा, तो इसको 0.3 बार भी कह सकते हैं, ये कभी खत्म नहीं होगा पर ये रिपीट होता रहेगा। तो ये दोनों टाइप रैशनल नंबर होते हैं। और ऐसे नंबर जैसे √2, ये तो कभी खत्म भी नहीं होगा और कभी रिपीट भी नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग कभी खत्म नहीं होगा, नॉन रिकरिंग कभी रिपीट नहीं होगा। ऐसे जो डेसिमल होते हैं इनको कहते हैं इरेशनल नंबर। तो आप समझ गए होंगे, दो फॉर्मेट हमने पढ़े, एक तो कि ये पी अपॉन क्यू के बराबर होते हैं और दूसरा ये कि या तो ये खत्म हो जाते हैं या ये रिपीट होते रहते हैं। इनमें ये पढ़ा है कि ये पी अपॉन क्यू के बराबर नहीं होते,
या फिर ये कभी खत्म भी नहीं होते, रिपीट भी नहीं होते। अब रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, कि रैशनल नंबर को हम डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करते हैं। रैशनल नंबर दो टाइप के होते हैं, हमने पढ़ा, एक तो जो खत्म हो जाते हैं टर्मिनेटिंग जैसे 0.375, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जो खत्म तो नहीं होते पर रिपीट होते रहते हैं जैसे 0.3333, खत्म तो नहीं होगा पर रिपीट होता रहेगा। ये दोनों रैशनल नंबर होते हैं। कैन बी एक्सप्रेस इन पी अपॉन क्यू फॉर्म, पी अपॉन क्यू फॉर्म से इनको एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां पे क्यू 0 के बराबर नहीं है और पी और क्यू दोनों को प्राइम इंटीजर है। 0.375 पहला एग्जाम्पल है, ये टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग पढ़ रहे हैं अभी अपन कि टर्मिनेटिंग में क्या होता है। तो 0.375 को अपन लिख सकते हैं 375/1000, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो अपॉन 1000 लिख सकते हैं। 375 को हम लिख सकते हैं 3 × 125, और 125 होता है 5 की पावर 3, तो इसको लिख सकते हैं 3 × 5 की पावर 3/10 की पावर 3, तो ऊपर नीचे 5 की पावर 3 कट जाएगा तो बचेगा 3/2 की पावर 3। तो 0.375 को हम लिख सकते हैं आइदर 3/8 और 3/2 की पावर 3। ठीक है, अब नीचे और देखिए, 0.104 है, इसको हम लिख सकते हैं 104/1000। कट्टे कट्टे लास्ट में ये भी आ जाएगा 13/5 की पावर 3। तो ये टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग जो होते हैं ना, उनमें एक स्पेशलिटी होती है कि वो पी अपॉन क्यू में तो लिखे ही जाएंगे। ऑल्सो जो क्यू होता है ना, वो या तो 2 की पावर होता है या फिर 5 की पावर होता है, और कोई नंबर नहीं आता नीचे। हो सकता है इन दोनों में से कोई एक ही आए, पर और कोई तो आएगा ही नहीं, या तो ये आ रहा है या ये आ रहा है, दोनों भी आए तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन और कोई नंबर नहीं आएगा डिनोमिनेटर में। जैसे इसमें 2 की पावर 3 आ रहा था, इसमें 5 की पावर 3 आ रहा था, इसलिए ये टर्मिनेट हुए, इसलिए ये खत्म हो गए। 4 के बाद और 5 के बाद कोई नंबर नहीं आएगा। अगर नीचे और कोई नंबर आ जाता ना, तो ये खत्म नहीं होते, ये चलते जाते। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होते हैं ना, उनके अंदर डिनोमिनेटर में हमेशा 2 की पावर आती है या 5 की पावर आती है। अब थियोरम देख लेते हैं। रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, ऐसे रैशनल नंबर, ऐसे पी अपॉन क्यू फॉर्म के नंबर जिनको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो उनका एक पॉइंट पे आके डेसिमल खत्म हो जाएगा, डेसिमल के बाद के नंबर खत्म हो जाएंगे। उनको पी अपॉन क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं पी, और जिसमें क्यू जो है ना डिनोमिनेटर, वो 2 की पावर m × 5 की पावर m होता है। यानी ये एक है टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है, जिसमें क्यू 2 की पावर m × 5 की पावर n ही है और कुछ है ही नहीं। अब m जो है ना, m और n ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स है आइदर और 0 है। तो अब एग्जाम्पल आपको और क्लियर हो जाएगा। पहले तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर देख लेते। क्या ये रैशनल नंबर है? 43.12345678 9, क्या ये खत्म हो रहा है कहीं पे? कि 9 के आगे कोई नंबर आ रहा है? नहीं ना, ये यहाँ खत्म हो रहा है, तो ये टर्मिनेट हो रहा है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है ये। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल आपको पता है कि हम इसको पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हटा दें तो अपॉन 10 की पावर 9 आ जाएगा। ये 43.12345678 9/10 की पावर 9 ये आ जाएगा। ये पी अपॉन क्यू फॉर्म हो गई, तो ये रैशनल हुआ, हुआ ना, पी अपॉन क्यू फॉर्म हो गई। क्यू 0 के बराबर नहीं है, दोनों को प्राइम है। अब ये देखिए, 0.120 1200 आया आपकी बार, फिर आया 1200, फिर आया 124 बार 0। तो क्या ये रिपीट हो रहा है क्या? पहले तो क्या ये खत्म हो रहा है क्या? नहीं, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म तो नहीं हो रहा भैया। अब खत्म नहीं हो रहा तो अब देखेंगे कि क्या ये रिपीट हो रहा है, क्या रिपीट हो रहा है ये? ये 120 है, ये 1200 है, ये 12000 है, ये 1,20,000 है, रिपीट भी नहीं हो रहा, तो ये नॉन रिपीटिंग है। तो ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा, तो क्या ये रैशनल नंबर होगा? नहीं, ये होगा इरैशनल नंबर। मतलब ये पी अपॉन क्यू के बराबर नहीं लिख सकते हम इसको, क्योंकि ये कहीं खत्म ही नहीं हो रहा पहली बात तो, और अगर खत्म नहीं भी हो रहा मान लो, तो ये रिपीट भी नहीं हो रहा, तो इसको पी अपॉन क्यू के बराबर नहीं लिख सकते। ये इसको पी अपॉन क्यू ऐसा नंबर कौन सा होता है कि पी अपॉन क्यू के बराबर लिख सकते? वो होता 0.120 120 120 120। अगर ये आता ना तो इसको लिख सकते थे हम। ये होता एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, इसको पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते थे। ये देखिए, क्या ये टर्मिनेट हो रहा है कभी? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, चलता जाता है, ये कभी खत्म नहीं होता। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, चलो कोई बात नहीं, पर क्या ये रिपीट हो रहा है?
ये बार लगाया हुआ, इसका यही मतलब होता है रिपीट हो रहा है, तो ये रिपीट तो हो ही रहा है, ये हो रहा है यहाँ तक, फिर रिपीट हो रहा है, ऐसे रिपीट होता रहेगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है ये, रिकरिंग डेसिमल। इसका मतलब ये पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है क्या? बिल्कुल लिखा जा सकता है, ये रैशनल नंबर है, बार लगा हुआ है ना ऊपर, तो रिपीट हो रहा है इसलिए रैशनल नंबर है। मैं लिख देता हूँ रैशनल है। प्राइम फैक्टराइजेशन देख लीजिए, पहले तो फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर क्या होते हैं भाई, फैक्टर होते हैं जैसे 12 का फैक्टर, 12 किस किस की टेबल में आता है, 1 की में आता है, 2 की में आता है, 3 की में आता है, 4 की में आता है, 6 की में आता है और 12 की में आता है, ये इसके फैक्टर्स हो गए जिन जिन की टेबल में आ रहा है। जैसे 21 किस किस की टेबल में आता है, 1 की में आता है, 3 की में आता है, 7 की में आता है और 21 की में आता है, ये इसके फैक्टर्स हो गए चार। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर्स के लिए प्राइम नंबर भी पता होने चाहिए। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो सिर्फ 1 की टेबल में आते हैं और खुद की टेबल में आते हैं, जैसे 3 है वो सिर्फ 1 की टेबल में आता है या 3 की टेबल में आता है, या फिर उसके दो ही ऐसे मल्टीपल है, ऐसे फैक्टर है, या तो वो 1 है या 3 है, या वो इटसेल्फ है, सॉरी, जैसे 7 है तो 1 और 7 दो की टेबल में आता है, 9 है, 9 1 और 3 और 9 की टेबल में आता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि भाई 3 की टेबल में भी तो आ रहा ही। 11 है वो 1 और 11 की टेबल में आता है तो वो प्राइम नंबर है। तो ऐसे फैक्टर्स, ये जो फैक्टर्स है सिर्फ प्राइम नंबर की फॉर्म में लिखने हमें, वो उसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। किसी भी नंबर के फैक्टर्स लिखना प्राइम नंबर के फॉर्म में, 3 2 7 6 0 है उसको 16380 इंटू 2 लिख सकते हैं, 8140 इंटू 4 लिख सकते हैं, ऐसे करते करते लास्ट में उसको लिख सकते हैं ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13, और ये सारे प्राइम नंबर है, ये सारे प्राइम नंबर है, ये किसी की टेबल में नहीं आते खुद के और 1 के अलावा, और ये सारे इसके फैक्टर्स है, तो ये हो गए प्राइम फैक्टराइजेशन। पावर लगा देंगे 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 7 13, ये हो गया 32760 का प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी ऐसे फैक्टर्स पता लगाने जो प्राइम नंबर हो। अब देखिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, तो उससे पहले हमें मल्टीपल और फैक्टर देख लेते हैं क्या होते हैं। मल्टीपल मल्टीपल होते हैं बेसिकली टेबल, जैसे 2 के मल्टीपल होते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18, चलता जाता है कभी खत्म ही नहीं होता। ये तो होते हैं मल्टीपल, 7 के मल्टीपल होते हैं 7 14 21 28 35 42। फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं कि वो किस किस की टेबल में आ रहे हैं, जैसे 12 के फैक्टर होते हैं 1 2 3 4 6 12, 18 के फैक्टर होते हैं 1 2 3 6 9 18, तो ये तो मल्टीपल होते हैं और ये फैक्टर होते हैं। अब एलसीएम देखिए, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है दो नंबर का एलसीएम, वो होता है कि दोनों की टेबल में आने वाला नंबर, 2 और 7 दोनों का एलसीएम क्या होगा, दोनों का कॉमन मल्टीपल क्या है, दोनों में कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है, 4 आता है क्या 7 में, नहीं आता, 6 आता है क्या 7 में, नहीं आता, 8 नहीं 10 नहीं 12 नहीं 14 आता है, 14 इसमें भी आता है, ये दोनों दोनों की टेबल में आ, ये 14 जो है दोनों की टेबल में आ रहा है, मतलब ये इस कॉमन मल्टीपल हुआ 2 और 7 का, और ये सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल हुआ, तो ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल हुआ किसका, 2 और 7 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल हुआ 14, ठीक है, ऐसा नंबर जो दोनों की टेबल में आता हो और सबसे छोटा नंबर जो दोनों की टेबल में आता हो। जैसे अब एक प्रॉपर तरीका होता है इसको निकालने का, प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर, जो भी फैक्टर है उनमें हाईएस्ट पावर जो इन्वॉल्व है वो उनका प्रोडक्ट कर दो, इस एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। नंबर अपन को दिया है 15 75 और 135, 15 के फैक्टर करो 3 इंटू 5, 75 के फैक्टर करो 3 इंटू 25 या 3 इंटू 5 का स्क्वायर, 135 के फैक्टर करो 3 क्यूब इंटू 5, 3 क्यूब यानी 27 5 ज़ा, तो इनमें हाईएस्ट पावर देखिए, 3 की हाईएस्ट पावर, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ की पावर 3 है, तो 3 की पावर 3 हाईएस्ट पावर हो गई, 5 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो हाईएस्ट पावर ये हो गई, तो एलसीएम हो गया 3 की पावर हाईएस्ट 3 होती है और 5 की हाईएस्ट पावर 2 है इधर, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 675 हाईएस्ट हो गया। जैसे हम निकालते हैं किसी और का 14 और 18 का एलसीएम निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, देखो 14 के हम पहले लिख लेंगे 2 इंटू 7 होता है ये, 18 जो होता है वो होता है 2 इंटू 9 या फिर 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर। अब एलसीएम लिखेंगे, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 ही है, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, और 7 की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो ये हो जाएगा 14 इंटू 9, 140 माइनस 14,
126 आएगा इन दोनों का एलसीएम। समझ आया कैसे? इनके अपन फैक्टर लिखेंगे और फिर हाईएस्ट पावर जो है ना वो मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 की हाईएस्ट पावर 1 है, 3 की हाईएस्ट पावर 2 है और 7 की हाईएस्ट पावर 1 है, तो 126 आया इसका। हाईएस्ट पावर को मल्टीप्लाई करना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल में। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के अंदर क्या होता है, देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। तो पहले तो फैक्टर क्या थे, 6 का फैक्टर क्या क्या थे, 6 के फैक्टर क्या क्या थे बताइए, 1, 2, 3 और 6, ऐसे ही कोई नंबर दे दिया 15। 15 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, यानी किस किस की टेबल में आ रहे हो, 1, 3, 5 और 15, है ना, ये सारे फैक्टर्स हो गए। फैक्टर्स 6 और 15 के फैक्टर्स हो गए। अब इनमें हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है, 1 कॉमन फैक्टर, एक दोनों का फैक्टर कॉमन जो है वो 1 है। उसके बाद 3 है, 3 दिख रहा है, 3 से बड़ा कोई कॉमन फैक्टर है क्या, नहीं है ना, तो 3, 6 और 15 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। 6 और 15 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 3। तो इसका निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि जो भी फैक्टर्स आपके आ रहे हैं ना उन सब का हाईएस्ट स्मॉलेस्ट पावर ले लीजिए। जैसे 15, 75 और 135 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। हिंदी में इसका मतलब होता है कि किस नंबर की टेबल में ये तीनों आते हैं, सबसे बड़ा नंबर जिसकी टेबल में कि 15, 75 और 135 तीनों आए, तो 1 की टेबल में तो आते ही हैं। उसके बाद ये 5 की टेबल में आपको दिख रहे आते होंगे, 3 की टेबल में आते ही हैं और लास्ट में 15 की टेबल में आते ही हैं। तो ये निकालते कैसे, पहले लिखा 15 इज इक्वल्स टू इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 5। 75 होता है 3 इंटू 25, तो 3 इंटू 5 स्क्वायर। 135 होता है 27 इंटू 5, तो 3 की 3 की क्यूब इंटू 5। तो अब इनमें लोएस्ट पावर देखिए, स्मॉलेस्ट पावर, ये देखिए यहाँ लिखा है स्मॉलेस्ट पावर, स्मॉलेस्ट पावर, स्मॉलेस्ट पावर, ये यहाँ पे आई 1, ये 2 और ये 1, तो 5 की स्मॉलेस्ट पावर कितनी हुई, 1। पहले तो नंबर कितने हैं फैक्टर्स में, फैक्टर्स में नंबर यहाँ पे कितने आ रहे हैं, केवल 2 ही आ रहे हैं, 3 और 5। 3 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 1 है, और 5 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 1 है, दिख रहा है ना, ये 3 की स्मॉलेस्ट पावर है जो सब में आ रही है और 5 की स्मॉलेस्ट पावर 1 सब में आ रही है। तो ये HCF हो गया 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, मतलब 15। तो 15 वो सबसे बड़ा नंबर है जिसकी टेबल में 15, 75 और 135 आते हैं। अब रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM, कि HCF और LCM के बीच में एक रिलेशनशिप भी होता है, वो क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ गिवन नेचुरल नंबर विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इटसेल्फ। मतलब आपको दो नंबर दिए हैं जैसे 27 और 144 दिए हैं और आपको कहा है कि इनका HCF और LCM निकालो। तो पहले तो निकालते कैसे हैं HCF और LCM। 27 लिखा, 27 होता है 3 क्यूब और 144 होता है 2 की पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर। बहुत ईजी आप कर सकते हैं कि 12 9 होता है और बहुत से मेथड है, तो सॉरी 12 12 होता है और बहुत से मेथड। तो HCF इसका निकला कि जो सब में कॉमन है, 3 का होल स्क्वायर इसमें भी है और 3 का होल स्क्वायर इसमें भी है, 3 इंटू 3 होल स्क्वायर हुआ नहीं, 3 इंटू 3 होल स्क्वायर, तो 3 का होल स्क्वायर दोनों में कॉमन हो गया। तो इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ 3 का होल स्क्वायर, स्मॉलेस्ट पावर जो सब में आ रही है, और LCM हुआ जो जो नंबर जो जो फैक्टर्स है उनकी हाईएस्ट पावर क्या है। नंबर कौन कौन से अवेलेबल है फैक्टर्स में, 2 अवेलेबल है और 3 अवेलेबल है। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 4, यहाँ तो 2 की पावर ही नहीं है कुछ, यहाँ 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर तो 4 लिख दी। और 3 की हाईएस्ट पावर अवेलेबल क्या है, 3 की पावर 2 यहाँ है, तो वो हाईएस्ट पावर नहीं है, 3 की पावर 3 हाईएस्ट पावर, वो यहाँ लिख दिया, तो ये हो गया 432। तो HCF और LCM निकालना तो बहुत ईजी सा काम है, आपको अब तक आ ही चुका होगा। तो HCF और LCM जो आए उनका अगर आप प्रोडक्ट करते हैं ना, तो जो जिन दो नंबर का ये आए थे ना HCF और LCM, उनके प्रोडक्ट के बराबर होते हैं। ये तो HCF था और ये LCM था और ये था नंबर 1 और ये था नंबर 2। तो नंबर 1 और नंबर 2 का प्रोडक्ट जो है ना वो HCM और LCM के प्रोडक्ट के बराबर है, 3888 3888। तो इससे हम ये भी कंक्लूड करते हैं कि LCM हमेशा HCF का मल्टीपल होगा। मतलब HCF को किसी ना किसी होल नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो LCM आ जाएगा। इस एग्जांपल में ही देख लीजिए, चाहे 9 है उसको आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो LCM 432 आ जाएगा। 9 इंटू 48 होता है 432। ये देखते हैं क्वेश्चन,
फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 60 एंड 120 लिविंग रिमाइंडर 9 एंड 1 रिस्पेक्टिवली। तो इसके लिए पहले एक सैम्पल क्वेश्चन देख लेते हैं कि 2 जो है वो 5 को डिवाइड करेगा, 2 टाइम्स आया 4, 2 टू 4 बचा 1, तो 2 5 को डिवाइड करता है और रिमाइंडर छोड़ देता है 1। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 5 - 1 जो होगा वो 2 से डिवाइड हो सकता है, मतलब 4 जो है वो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही हम 60, ऐसे ये लिखा हुआ है कि 60 - 9 जो है वो कंप्लीटली डिवाइड होगा किसी नंबर से, और सेम 120 - 1 भी उसी नंबर से डिवाइड होगा। तो 51 और 119 किस कॉमन नंबर से डिवाइड होते हैं, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, ये निकालना है। तो 51, अगर आपको 17 की टेबल ध्यान हो, 17 थ्रीजा होता है, और 119 जो होता है वो 17 सेवनजा होता है, तो इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया 17। तो 17 ही वो नंबर है जिससे अगर आप 60 को डिवाइड करेंगे तो 3 ज़ा 51 और रिमाइंडर देगा 9, जो कि यहाँ मेंशनड है कि 60 के साथ 9 आएगा। और अगर 17 से 120 को डिवाइड करेंगे तो 7 ज़ा 119 और रिमाइंडर आएगा 1, जो कि यहाँ पे मेंशनड है कि 120 के साथ रिमाइंडर आएगा 1। तो आया ये समझ में। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट लेंथ ऑफ रोप विच कैन बी कट इन टू होल नंबर ऑफ पीसेस ऑफ लेंथ 45, 75 एंड 81। तो सबसे छोटी लेंथ बताइए रोप की, जिसको आप अगर 45 सेंटीमीटर में के पीसेस में काटे, बहुत सारे मान लीजिए ये इतना होता है 45 सेंटीमीटर का पीस, तो ऐसे बहुत सारे पीसेस में आप काटे तो वो इक्वली बट जाए, मतलब लास्ट में कुछ हिस्सा नहीं रह जाए, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर बच गया, इक्वली डिवाइड हो, मतलब ये 45 सेंटीमीटर है ना, इसकी टेबल में आना चाहिए एल, तभी तो इक्वली डिवाइड होगा। मान लो 3 टुकड़े हो रहे हैं, 4 टुकड़े हो रहे हैं, प्योर प्योर 4 टुकड़े हो रहे हैं बराबर के, कुछ भी नहीं बच रहा। सिमिलरली इसमें ये भी लिखा है कि वो 75 सेंटीमीटर के टुकड़े भी इक्वल करेगा, तो मतलब वो 75 की टेबल में भी आना चाहिए, तो 75 की टेबल में भी आएगा वो, सेम सेम लेंथ है एल, और 81 के में भी आना चाहिए तो 81 की में भी आएगा वो, 81 × z = 12। तो मतलब कि इन तीनों की टेबल में आएगा वो, इन तीनों का वो मल्टीपल है, इन तीनों का वो हुआ मल्टीपल, टेबल में आता है जो नंबर उसको कहते हैं मल्टीपल। तो मल्टीपल के लिए हम क्या निकालेंगे, और ये भी लिखा हुआ है कि लीस्ट लीस्ट लेंथ लेनी है हमें, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे। लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे निकालते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल 45 होता है 5 × 9, मतलब 3 का स्क्वायर × 9। 75 होता है 25 × 3, मतलब 3 × 5 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे 5 आएगा। और 81 होता है 3 × 3 × 3 × 3, मतलब 3 की पावर 4। तो इनमें अब देखिए 3 और 5 ही दो नंबर आ रहे हैं, 3 की हाईएस्ट पावर क्या आ रही है 4, और 5 की हाईएस्ट पावर क्या आ रही है 2। तो 81 × 25 आएगा आंसर। अब 81 × 25 होता क्या है, 2025 आएगा वो नंबर। तो मतलब एक 2025 सेंटीमीटर लेंथ की रोप है, उसको आप 45 सेंटीमीटर के टुकड़ों में भी काट सकते हो, 75 सेंटीमीटर के टुकड़ों में भी काट सकते हो, और 81 सेंटीमीटर के टुकड़ों में भी काट सकते हो। 45 सेंटीमीटर के कितने टुकड़े हो गए, 45 सेंटीमीटर के हो गए 45 टुकड़े, 45 पीसेस। 75 के कितने टुकड़े होंगे, 27 पीसेस, इक्वल इक्वल टुकड़े होंगे, कुछ बचेगा नहीं। 81 के होंगे 25 पीसेस। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आया, बहुत इजी सा क्वेश्चन था कि लीस्ट, अब इससे बड़ी भी हो सकती है, इससे बड़ी भी हो सकती थी, जैसे इसका डबल कर दो तो 4050 सेंटीमीटर की भी रोप होती ना, तो भी आप उसको इन सब पीसेस में काट सकते हो, वो डबल हो जाता, 90, 54 और 50 पीसेस हो जाते। लेकिन सबसे छोटी लेंथ अगर पूछी थी ना तो वो 2025 है, इससे छोटा कोई नंबर नहीं है जो इन तीनों की टेबल में जाएगा। तो आई होप ये समझ आया आपको।
ये देखिए, अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी अरेंज्ड इनटू अ ग्रुप ऑफ 3, 4, 6 और 8 विद नो स्टूडेंट लेफ्ट बिहाइंड। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है कि कोई एक्स स्टूडेंट्स है क्लास में टोटल, तो उनको तीन के ग्रुप में भी बांट सकते हैं। तीन के ग्रुप में बांटेंगे तो कोई स्टूडेंट बचेगा नहीं, मतलब ये कह रहे हैं ऐसे। और चार के ग्रुप में भी बांट सकते हैं तो भी कोई स्टूडेंट बचेगा नहीं। और सिमिलरली 6 और 8 के ग्रुप में भी बांट सकते हैं, मतलब ये 3, 4, 6 और 8 सबकी टेबल में जाने वाला नंबर है, तो इनका निकालना है सेम एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इधर देखेंगे हम, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 3, 2 का स्क्वायर, 3 × 2, 2 का क्यूब, तो दो ही नंबर है 2 और 3। 2 की हाईएस्ट पावर है 3, जो यहां से मिल रही है हमें, और 3 की हाईएस्ट पावर है 1, जो दोनों ही जगह है। तो ये हो गया 8 × 3, 24। तो 24 स्टूडेंट्स हो गए क्लास में, तो उनको आप चार तीन के ग्रुप में भी बांट सकते हो। 3 के कितने ग्रुप होंगे? 8 ग्रुप। 4 के कितने ग्रुप हो गए? 6 ग्रुप। 6 के कितने ग्रुप हो गए? 4। और 8 के कितने ग्रुप हो गए? 3। तो ये इन सब ग्रुप नंबर ऑफ ग्रुप्स में बढ़ सकता है। ये देखिए, 3 स्कूल बेल्स है, वो 3, 6 और 12 मिनट के इंटरवल पे बजती है। मतलब मान लीजिए कि 12 बजे बजी हो। एक तो ये तरीका है सॉल्व करने का इजी सा। ये हुई बेल 1, ये हुई बेल 2 और ये हुई बेल 3। तो बेल 1 ये तीनों अभी 12 बजे बजी है। अब ये बजती है 3 मिनट बाद, ये बजती है 6 मिनट बाद और ये बजती है 12 मिनट बाद। तो 12:03 पे ये बेल बजेगी। ये बजेगी क्या? नहीं। ये बजेगी क्या? नहीं, क्योंकि ये तो 6 मिनट बाद बजती है और ये 12 मिनट बाद बजती है। 12:06 पे ये तो बजेगी, क्योंकि इसके 3 मिनट फिर पूरे हो गए। ये पहली बार बजेगी अब उसके बाद, और ये तो अभी भी नहीं बजेगी क्योंकि इसके अभी 12 मिनट हुए नहीं। तो ये 12:09 पे ये बजेगी, ये नहीं बजेगी, और ये भी नहीं बजेगी। 12:12 पे ये तो बजेगी यार, 3 मिनट से बज रही है। इसके दोबारा 6 मिनट हो गए और इसके पहली बार 12 मिनट हुए। तो 12:12 पे ये तीनों बेल बज रही है। या इसका और जो ऐसे क्वेश्चन पक्का पक्का आएंगे आपके एग्जाम में, तो इसका एक और इजी तरीका यही है कि इनका एलसीएम निकाल लो। 3, 6, 12। 3 फैक्टर हुआ इसका, हुआ 2 × 3, इसका फैक्टर हुआ 2² × 3। हाईएस्ट पावर दो ही फैक्टर थे पहले, तो 2 और 3। 2 की हाईएस्ट पावर है 2, 3 की हाईएस्ट पावर है 1। एलसीएम तो 4³ = 12, तो मतलब 12 मिनट बाद, और यही अपना आंसर आ रहा है, 12 मिनट बाद बजेगी। तो एलसीएम ही निकालना था इसमें भी। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अभी तक आपने याद नहीं किया हो, रटा नहीं हो एग्जाम के लिए, कुछ भी जैसे भी आप कन्वीनियंट हो कर ही लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। और कुछ तो है नहीं अब, यूक्लिड और वो सब तो बचे नहीं, तो यही आएगा। तो क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर, यानी √3 इज इरेशनल। इरेशनल है इसका मतलब, रैशनल होता तो क्या होता? रैशनल होता तो हम उसको p/q फॉर्म में लिख देते, पर इरेशनल है तो p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। बस यही यही प्रूफ करना है, जिसमें p और q को प्राइम इंटीजर है। अगर आप डेफिनेशन याद रखेंगे ना, तो बस बहुत इजी रहेगा। p और q को प्राइम इंटीजर है, q 0 के बराबर नहीं है। तो देखते हैं इन क्वेश्चन में, सबसे पहले हम है ना ये अज्यूम करते हैं कि हमने जो माना है वो गलत है। तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि √3 रैशनल है। टू द कॉन्ट्ररी, मतलब जो हमें गिवन है प्रूव करने के लिए कि √3 इरेशनल है, उसका विपरीत ले रहे हैं कि √3 रैशनल है। हमने रैशनल अज्यूम किया है। अब रैशनल अज्यूम किया है मतलब पी अपॉन क्यू फॉर्म में होगा वो। दैट मीन्स √3 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स। को प्राइम इंटीजर्स मैं आपको बता चुका हूँ, जिनका कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, 1 से ऊपर वो और किसी की टेबल में आते नहीं हो, और क्यू नॉट इक्वल टू 0। ये सब रैशनल नंबर्स की कंडीशन ही है, और कोई अलग चीज नहीं है। इसको रीअरेंज करेंगे तो क्यू √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्यू √3 इंटू पी। क्यू √3 इज इक्वल्स टू पी। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड रीअरेंजिंग वी गेट, इनको दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा q² और 3 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। क्यू का स्क्वायर हुआ q², √3 का स्क्वायर हुआ 3, और पी का स्क्वायर हुआ p². ठीक है। अब पी स्क्वायर, अब यहां इस चीज से आपको ये समझ आएगा कि पी स्क्वायर
हमेशा 3 की टेबल में जाएगा, क्योंकि आप क्यू की कुछ भी वैल्यू रख लो होल नंबर में, होल नंबर ही आएगी ना, इंटीजर है ना, -1 भी रख लो, इंटीजर कुछ भी रख लो, तो पी के हमेशा पी स्क्वायर 3 की टेबल में ही आएगा, 3 का मल्टीपल होगा, मल्टीपल ऑफ 3 की टेबल में आएगा। अब अगर पी स्क्वायर 3 की टेबल में आएगा ना, तो वी कैन राइट पी, पी विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 3, तो मतलब पी भी मल्टीपल ऑफ 3 होगा। अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी दूसरे नंबर का मल्टीपल है, तो वो नंबर भी उस नंबर का मल्टीपल होगा, मतलब पी स्क्वायर अगर 3 का मल्टीपल है, तो पी भी 3 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो पी हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 r, पी 3 की टेबल में आ रहा है, मान लो पी कुछ r टाइम मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है, 3 को r से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी आ जाएगा, फॉर सम इंटीजर r, r एक इंटीजर है, तभी तो टेबल कह रहे हैं अपन, क्योंकि इंटीजर है। सब्स्टिट्यूटिंग पी इज इक्वल्स टू 3 r, अब ये जो इक्वेशन है अपनी, इस इक्वेशन में पी इज इक्वल्स टू 3 r सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, पी इज इक्वल्स टू 3 r सब्स्टिट्यूट करें तो 3 q² तो वैसा ही रहेगा, पी की जगह आ गया 3 r, और 3 r का होल स्क्वायर होता है 9 r², तो 3 q² इज इक्वल्स टू 9 r², 3 और 9 कट जाएगा, तो q² इज इक्वल्स टू 3 r² बचा है। अब इसका ये पहले के जैसे ही हो गया, q² अगर 3 r² है और r इंटीजर है, यहां लिखा हुआ है r इंटीजर है, तो q² r 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल होगा, जैसे पी स्क्वायर था वैसे ही क्यू स्क्वायर भी 3 का मल्टीपल है, और अगर क्यू स्क्वायर 3 का मल्टीपल है या डिविजिबल बाय 3 है, तो क्यू भी 3 से डिवाइड होगा। तो अब ये हमें ये पता चला कि पी और क्यू दोनों 3 से डिवाइड होंगे, 3 के मल्टीपल होंगे, लेकिन ऐसा तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने यहां पे देखिए सेकेंड पॉइंट में माना था कि पी और क्यू को प्राइम इंटीजर है, मतलब वो 1 के अलावा और किसी की टेबल में नहीं आ सकते, पर अब हम ये प्रूव कर चुके हैं कि वो 3 की टेबल में आ रहे हैं, देयरफॉर पी एंड क्यू एटलीस्ट हैव 3 एज ए मल्टीपल, और ये क्या कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि हमने जो अज्यूम किया था पी और क्यू को प्राइम इंटीजर्स है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हुआ क्यों, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से ही गलत अजम्पशन लिया था कि √3 रैशनल नंबर है, ये अजम्पशन गलत था हमारा, तो अब हम नया कंक्लूजन ला रहे हैं कि √3 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, स्टार्टिंग से एक बार रिवाइज करा दूं, बहुत ईजी सा है, √3 का हम पहले रैशनल ले रहे हैं, कॉन्ट्ररी ऑन द कॉन्ट्ररी यानी जो हमें दिया हुआ है प्रूफ करने के लिए उसके ऑपोजिट ले रहे हैं, रैशनल ले रहे हैं मतलब √3 पी अपॉन क्यू फॉर्म में, जिसमें पी और क्यू दोनों को प्राइम इंटीजर्स है, को प्राइम इंटीजर्स मतलब पी और क्यू 1 के अलावा और किसी की टेबल में नहीं आते, और क्यू 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, अब ये ही इक्वेशन को हमने, ये जो इक्वेशन है इसी को हमने रीअरेंज कर लिया, क्यू को लगे उधर, तो क्यू √3 पी के बराबर हो गया। ठीक है, अब स्क्वायर कर लो, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 q² इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि पी स्क्वायर 3 की टेबल में आ जाता है, 3 का मल्टीपल है, या फिर वो 3 से डिवाइड हो सकता है, कुछ भी कहो, अगर पी स्क्वायर 3 से डिवाइड हो सकता है तो पी भी 3 से डिवाइड हो सकता है, तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं पी को, पी इज इक्वल्स टू 3 r, मतलब पी कोई एक इंटीजर r 3 की टेबल में जा रहा है, 3 6 जा, 3 7 जा, कुछ भी इंटीजर 3 की टेबल में जा रहा है पी। अब ये पी इज इक्वल्स टू 3 r हम फर्स्ट इक्वेशन में लगाएंगे, ये जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी इसके अंदर डालेंगे, तो हो गया 3 q² तो वैसा ही रहेगा, और पी स्क्वायर की जगह आ जाएगा 3 r, यानी पी स्क्वायर हो जाएगा 9 r², 3 3 कट जाएंगे तो क्यू स्क्वायर बचेगा और 3 r² बचेगा, तो अब यहां से हम ये बता रहे हैं कि क्यू स्क्वायर भी 3 r² के बराबर है, तो मतलब क्यू स्क्वायर भी 3 से डिविजिबल है, और क्यू स्क्वायर 3 से डिविजिबल है, तो क्यू भी डिविजिबल होगा 3 से, इसका मतलब पी और क्यू दोनों 3 के मल्टीपल है, और हमने ये माना था कि पी और क्यू को प्राइम इंटीजर है, तो 1 के अलावा कोई और किसी नंबर के मल्टीपल होने नहीं चाहिए थे, लेकिन ये गलत अजम्पशन था, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से गलत सब कुछ लिया था, तो ये बस एक दो बार आप लिखेंगे तो हो जाएगा, इतना कुछ हार्ड नहीं है। अगला है √5 माइनस √3 को इरेशनल प्रूफ करना है, तो सिमिलरली फर्स्ट स्टेप तो वही होता है, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी, 5 माइनस √3 इज रैशनल, तो हम ये मान लेते हैं कि 5 माइनस √3 रैशनल है, हमें एक प्रूफ क्या करना है, इरेशनल, तो हम ओपोजिट मान रहे हैं, फर्स्ट स्टेप हमेशा यही होता है, अज्यूम 5 माइनस √3 इज इरेशनल, तो मतलब 5 माइनस √3 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, रैशनल रैशनल फॉर्म है, तो ये लिख सकते हैं ए अपॉन बी या पी अपॉन क्यू, कोई फर्क नहीं पड़ता लेटर चेंज करने पे, बस वो ए और बी दोनों को प्राइम इंटीजर होने चाहिए और बी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यही तो होती है रैशनल रैशनैलिटी की बेसिक इक्वेशन, कि उसको आप मतलब दो इंटीजर्स के फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं, ए अपॉन बी, और ए और बी दोनों को प्राइम इंटीजर है, बी 0 के बराबर नहीं है,
तो अब रीअरेंज कर देंगे, ए अपॉन बी को उस साइड ले जाएंगे, रूट थ्री को इस साइड ले जाएंगे, तो 5 - a/b = √3 हो जाएगा। इसमें तो कुछ बड़ी चीज नहीं है, रीअरेंज किया है बस। इसको दोबारा रीअरेंज कर देंगे √3, अच्छा ये तो वही किया हुआ है, 5b - a, अब एलसीएम ले लेंगे, 5/1, ये था √3 = 5 - a/b, ये हो जाएगा √3 = 5/1 - a/b, मतलब √3 = 5b - a/b, तो यही लिखा हुआ है, √3 = 5b - a/b। तो सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, वी गेट 5 - a/b इज इरेशनल। अब ये पूरा टर्म तो रैशनल होगा, क्यों? क्योंकि सारे इंटीजर्स ही है, सारे इंटीजर्स है, प्लस माइनस में है, मल्टीप्लाई डिवाइड में है, तो ये रैशनल ही होगा। तो 5 - a/b तो रैशनल ही है, लेकिन √3 हमने अभी प्रूव किया था इस इक्वेशन पे, देखिए इस इक्वेशन को, ये जो मैं अभी इक्वेशन लिख रहा हूँ इसमें देखिए, √3 = 5 - a/b, 5 एक रैशनल नंबर है, टिक, ए अपॉन बी एक रैशनल नंबर है, टिक, ए अपॉन बी तो होता ही रैशनल नंबर है, फॉर्म ही ए अपॉन बी बताते हैं किसी भी रैशनल नंबर की, तो ये टोटल साइड रैशनल नंबर है, लेकिन √3 तो इरैशनल नंबर है, तो क्या इरैशनल नंबर इक्वल हो सकता है रैशनल नंबर के? नहीं हो सकता ना, तो इसलिए ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है जो हमने स्टार्टिंग में लिया था कि √3 इरैशनल है, सॉरी ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि √3 रैशनल है, ये कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √3 इज रैशनल। सिंस दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इन इनकरेक्ट अजम्पशन, तो जो हमने अजम्पशन लिया था ये स्टार्टिंग में, कौन सा अजम्पशन कि √5 - √3 रैशनल नंबर है, ये गलत था, तो अब रैशनल नहीं होगा तो कैसा होगा? इरैशनल होगा। ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ, बहुत ईजी सा है, और ये आएगा, तो प्लीज जिसने भी याद नहीं किया है वो याद कर लेना, समझने में कुछ हार्ड नहीं है। डेसिमल एक्सपेंशन देखिए, डेसिमल एक्सपेंशन मतलब कि डेसिमल में कन्वर्ट करना किसी भी रैशनल नंबर को, जैसे ये दिया हुआ है अपन को, तो ये पूछा ये है कि वो कितने डेसिमल प्लेसेस के बाहर टर्मिनेट हो जाएगा, तो इसका मतलब होता है जैसे मान लीजिए आपको दिया 2/5, तो ये कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा? ये था 0.4, तो एक ही प्लेस के बाद हो जाएगा। हाँ, अगर दिया है 4/25, तो ये कितनी प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा? आप नीचे 4 ऊपर 4 करेंगे तो आ जाएगा 16/100, मतलब 0.16, तो 2 प्लेसेस के बाद हो जाएगा। तो ये पता पता कैसे लगाते हैं कि कितनी प्लेसेस के बाद होगा? आपको एक्चुअल में करने की जरूरत नहीं है, नीचे 2 की पावर और 5 की पावर जो भी है ना, m और n, तो जो भी हाईएस्ट पावर है उतनी देर बाद हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 5 की पावर 1 है हाईएस्ट, तो एक डिजिट के बाद ही हो गया ये, यहाँ पे 5 की पावर 1 है हाईएस्ट, तो एक डिजिट के बाद हो गया। यहाँ पे 4/25 में 5 की पावर हाईएस्ट है 2, 5 की पावर 2 हाईएस्ट है, तो ये 2 डिजिट बाद हो गया 0.16। तो 5 की या 2 की हाईएस्ट पावर पता लगानी है, तो इस क्वेश्चन में देख लीजिए, 341/2354 में हाईएस्ट पावर क्या आ रही है? 4 आ रही है, मतलब ये 4 डिजिट बाद हो जाएगा। अब किसी को कैलकुलेट करके भी देखना हो तो आप कर सकते हैं, ये हो जाएगा 341/8 × 5 की पावर 4 होती है 625, और 625 × 8 होता है 5000, तो 341/5000 जिसकी वैल्यू होती है 0.06282, सॉरी यहां लिख देता हूं, 0.0682, ये आ गया डेसिमल, ये फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस और फोर्थ प्लेस, तो 4 डिजिट बाद। तो ये हुआ कैसे? 2 की पावर m और 5 की पावर n में अगर नीचे हो तो जो भी हाईएस्ट पावर है ना, उतने ही डेसिमल डिजिट बाद, वो डेसिमल के उतनी डिजिट बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट मतलब खत्म, ओवर, बाय बाय। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिविजन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो पूरा एक्सपेंशन आपको करना नहीं है, सिर्फ ये बताना है कि क्या ये खत्म होगा या नहीं होगा। तो वो कैसे पता लगाते हैं? वो ऐसे पता लगाते हैं कि नीचे जो है 2 की पावर m और 5 की पावर n के अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए, और m और n इंटीजर्स है,
पॉजिटिव इंटीजर्स आइदर और जीरो। दोबारा बता देता हूँ, ऊपर जो भी नंबर है कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, टर्मिनेटिंग हम टर्मिनेट कब होगा या नहीं होगा ये ऐसे पता लगाते हैं, टर्मिनेट होगा या नहीं होगा क्वेश्चन मार्क लगा दिया, कि नीचे 2 की पावर m और 5 की पावर n के अलावा अगर कुछ भी आ रहा है तो वो नहीं होगा, और अगर ये आ रहे हैं तो वो टर्मिनेट होगा, डबल टिक होगा। और m और n है पॉजिटिव इंटीजर और जीरो। तो इस क्वेश्चन में देखिए 13/3125, तो 3125 जो है वो होता है 13/625×5, और ये होता है 13/125×5×5, और ये होता है 13/5³×5² मतलब 13/5 की पावर 5। तो क्या ये टर्मिनेट होगा? हाँ, क्योंकि 5 की पावर 5 आ रही है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 13/2 की पावर 0, क्योंकि वो 1 होता है। 13/1×5 की पावर 5 लिख सकते हैं, और 1 को लिख सकते हैं 2 की पावर 0×5 की पावर 5। अब ये जो मैं ब्रैकेट बॉक्स बना रहा हूँ, क्या ये इस फॉर्मेट में है? नीचे 2 की पावर m और n आ रही है, 5 की पावर n आ रही है, जिसमें m 0 है। 0 चलता है क्या? हाँ 0 चलता है, देखिए, और 5 की पावर 5 भी चलता है, तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, तो कोई चिंता की बात नहीं है। ये टर्मिनेट होगा क्या? देखिए, ये होता है 67/7 की पावर 3। क्या ये टर्मिनेट होगा? नहीं, ये टर्मिनेट नहीं होगा। डू नॉट डस नॉट टर्मिनेट, डज नॉट टर्मिनेट। तो ये क्यों नहीं होगा टर्मिनेट? क्योंकि नीचे 7 की पावर आ रही है, सिर्फ डिनोमिनेटर में 2 की पावर m और 5 की पावर n आती ना, तभी टर्मिनेट होता वो, अदरवाइज नहीं होगा। 6/15 होगा क्या? 6/15 देखिए, नीचे आ रहे 3×5, 3 आ रहा है ना, तो मतलब नहीं होगा। ओके, ट्रिक क्वेश्चन था ही। होगा, ऊपर भी देखना पड़ता है। अब इनमें क्या है, ऊपर भी देखना पड़ता है आपको। ऊपर है 6, तो 6/3×5 है, तो ये 3 1 और ये 2 हो जाएगा, तो अब बचा 2 और 5 की पावर 1। तो अब होगा क्या? अब होगा, तो ये हो ही रहा था। आपको न्यूमिनेटर ध्यान रखना पड़ता है। कई केसेस में क्या होता है, नीचे ऐसे नंबर आ जाते हैं जो कट जाते हैं। जैसे आया 49/35 है, तो आपको एक बार तो लगेगा कि 49/35 तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो होता है 49/7×5, तो डिनोमिनेटर में 7 आ गया, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन ऊपर का ध्यान रखे, अगर 7 1 जा और 7 7 जा करे, तो ये 7/5 हो गया। तो वही आपको को प्राइम इंटीजर्स बनाने पड़ेंगे, पहले को प्राइम इंटीजर फॉर्म में लाना पड़ेगा। जैसे 6 और 15 जो थे, ये को प्राइम इंटीजर नहीं थे, इनमें ये 1 के अलावा 3 की टेबल में भी आते हैं, 3 भी इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, 1 ही होना चाहिए था। सिमिलरली जो 49/35 था, तो ये भी सिर्फ 1 की टेबल में नहीं आते, ये 7 की टेबल में भी आते हैं। तो जब काटते रहो जब तक कि 1 की टेबल में ना आए, इस फॉर्म में लेके आना है आपको, 2/5 की फॉर्म में या 7/5, या मतलब मिनिमम फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में। ये देखिए, ये होगा क्या? 17/2 की पावर 3, 5 की पावर 2, ये होगा क्या? ये होगा बिल्कुल, 17 नीचे कहीं नहीं कट रहा, और ये 2 की पावर m और 5 की पावर n फॉर्म में डिनोमिनेटर है, तो ये टर्मिनेट होगा, खत्म होगा ये। मतलब खत्म होने से इसका ये मतलब है कि नीचे आ रहा है 2×2×2, जो कि हो गया 8 और 25, 8×25 यानी 200 हो गया नीचे, तो 17/200, 17/200 होता है 0.085, 17/200 0.085, तो खत्म हो गया ना यहाँ पे, 3 डिजिट के बाद खत्म हो गया ना, तो टर्मिनेट होगा। और कितने डिजिट बाद खत्म हो रहा है, ये आप कैसे देखोगे? हाईएस्ट पावर, 2 की पावर 3 है हाईएस्ट, तो 3 डिजिट बाद ये टर्मिनेट हो रहा है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। पहले तो खत्म होता है कि नहीं होता, ये हम देखते हैं कि अगर नीचे 2 की पावर m और 5 की पावर n है, और कितने डिजिट बाद हो रहा है उसमें, m और n में हाईएस्ट कौन सी है वो देख लेते हैं उतने डिजिट बाद। तो अब इस क्वेश्चन में हम दोनों चीजें करेंगे, तो वैसे तो दोनों होगी नहीं, क्योंकि नीचे 7 की पावर 4 आ रही है, तो ये टर्मिनेट नहीं होगा। ऊपर से कट भी नहीं रही है, 31 7 की टेबल में आता नहीं है, कट जाता तो शायद कुछ हो भी हुआ था। सिर्फ और सिर्फ 2 की पावर m और 5 की पावर n ही आनी चाहिए डिनोमिनेटर में, उसके अलावा अगर कुछ भी आ रहा है 7 3 11, तो नहीं होगा टर्मिनेट। जैसे ये नहीं होगा टर्मिनेट। तो धन्यवाद, इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं। अगला चैप्टर है आपको कल मिल जाएगा, और
लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, और देखते रहिए आप। हम आपसे बस यही मांगते हैं कि घर पे आप मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। धन्यवाद।